लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में पत्थर खदानों को फिर से प्रारंभ करने की कवायद तेज हो गई है। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्थर खदानों को नूतनीकृत लाइसेंस पर संचालन की मंजूरी दे दी है। नवी मुंबई परिक्षेत्र में कुल 110 पत्थर खदाने हैं, जिन्हें 94 प्रकल्पग्रस्तों को 20 साल की अवधि के लिए आवंटित किया गया था। हालांकि पर्यावरण सुरक्षा कारणों से 4 सालों से इसके संचालन पर रोक लगा दी गई थी। नई मंजूरी के साथ वर्ष 2026 तक नवी मुंबई की पत्थर खदानें चालू रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। 5 सालों से बंद पड़ी नवी मुंबई की 110 पत्थर खदानों को चालू करने का रास्ता साफ हो गया है। सांसद राजन विचारे की मांग और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की पहल पर खदानों को नूतनीकृत लाइसेंस पर फिर से प्रारंभ करने की मंजूरी मिल गई है। सिडको ने 94 प्रकल्पग्रस्त खदान चालकों को दोबारा संचालन का परमिशन दे दिया है। 8 अप्रैल 2021 को एक वर्चुअल बैठक में नगर विकास मंत्री ने इसके लिए आश्वासन दिया था। बता दें कि इन खदानों को 20 साल के करार पर आवंटित किया गया था। 10 साल के बाद रिन्यूअल करना था, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा को लेकर पैदा हुए कानूनी विवाद के कारण लाइसेंस रिन्यूअल अधर में लटक गया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 जून 2017 को इस पर फैसला दे दिया, लेकिन नगर विकास मंत्रालय में इसके संचालन की मंजूरी अटकी रही, जो अब सुलझी है। यानी अब 2026 तक नवी मुंबई के पहाड़ों की कटाई होती रहेगी। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे का मानना है कि इससे प्रकल्पग्रस्तों के लिए रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ेंगे। सांसद राजन बिचारे इसके लिए बधाई दे रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो यह है कि जब 5 साल पहले पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, तो आज कैसे थम जाएगा? और यदि इसका विकल्प भी कहीं और दे दिया गया है, तब भी उस नवी मुंबई का क्या होगा जहां खदानों से बड़ा प्रदूषण फैलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।